यह बदलाव सिक्कट पंचायत की वार्ड नंबर 3 की है, जो कि बराड़ी प्रखंड में कटिहार जिला का अंतर्गत पड़ता है। इस पंचायत में पिछले 5 सालों से ट्रांसफार्मर पोल तार लगे हुए थे, लेकिन कनेक्शन नहीं था। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, तब हम इस पर वीडियो बनाए। मेरा गांव में वही 5 बरस से पोल और खुट्टा सब लगा हुआ है। लाइन का कारण मेरा बच्चा का पढ़ाई लिखाई शिक्षा में अधूरा हो रहा है। मोबाइल चार्ज हर चीज़ का दिक्कत हो रहा है इस पंचायत में। बोर्ड उड़ लग गया है, पोल भी गरा गया है। सब दाफी कहते एक महीना में ते दो महीना में ते, लेकिन लाइन रहा कोई भी पता नहीं। सोच रहे हैं कुछ पढ़ लिख के बने, और हम लोग के यहाँ लाइट नहीं है, इसलिए हम लोग का आगे पढ़ाई आगे नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग का भी पढ़ाई का बहुत कमजोरी हो रहा है। और वीडियो को लेकर के जिला इंजीनियर से जाके मिले और इस मुद्दे को लेकर बातचीत किए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिए कि देखिए हम लोग भी प्रयास में है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपका गांव में लाइन दिया जाएगा। 1 साल बाद हमारे गांव में लाइन आ गया। अब हम लोगों को और मेरे समुदाय को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कैमरा का बैटरी टैबलेट मोबाइल लेकर को बाज़ार की ओर जाना पड़ता था, अब हम लोग घर में ही कर लेते हैं। आपका गाँव में लाइन आ गया? कितना दिन पहले आ गया? 2 महीना पहले। बहुत बढ़िया हो गया है, बच्चे सब पढ़ने को बढ़िया हो गया है, हमको भी बढ़िया है काम धंधा करने के लिए। किसने मदद किया था? मदद मेरा समाज के आदमी रीना देवी, सब लेके कटिहार गया, अप्लाई किया। फोन वोन से भी बात करते थे इंजीनियर साहब से? हाँ। तो लाइन आ गया? हाँ। अब क्या कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, लाइन आने के बाद बहुत अच्छा महसूस है। बाल बच्चे सब मिल के देखते हैं, अपना समाचार सुनते हैं, कहाँ कौन घटना होता है। हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो किस मुद्दे को बदलाव लाने में हमारे सहयोग किया, हमारे वार्ड की वार्ड सदस्य, जिले की बिजली इंजीनियर और हमारे यहाँ की समुदाय। मैं हूँ रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया नेट के लिए।